ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच हुए आपसी रक्षा समझौते को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस समझौते से नाराज फ्रांस अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा समझौते से फ्रांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक समझौता किया जिसे ऑकस का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की तकनीक दी जाएगी। इस समझौते को दक्षिण चीन सागर में बढ़ते चीन के दबदबे को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। वहीं इस समझौते से फ्रांस बेहद हताश है क्योंकि उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया अरबों डॉलर का समझौता खत्म हो गया है। दरअसल साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 37 अरब डॉलर में 12 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का समझौता किया, लेकिन अब यह समझौता खत्म हो गया है। ऑक्स समझौते से नाराज फ्रांस ने यहां तक कह दिया कि बाइडेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही फ्रांस ने कहा कि ये पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया था, लेकिन अब वो भरोसा टूट गया। दूसरी ओर चीन ने भी ऑक्स समझौते को लेकर अपनी नाराजगी जताई। चीन ने कहा कि इस समझौते ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। साथ ही चीन का कहना है कि इस प्रकार का सहयोग क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस समझौते की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया चीन का दुश्मन बन गया है।